हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ मनोहर चंदेलिया टीम जूलोजी, आज हम मिड सेशन के एथ पेपर का सॉल्यूशन करेंगे जिसमें जूलोजी में आपके टॉपिक इवोल्यूशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं तो इसमें आपके फर्स्ट क्वेश्चन 101, जीरो वन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ आज प्रेसिडेंट बाई लाइफ की फर्स्ट फॉर्म जो अराइज हुई थी वो तो किससे हुई नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से, से अराइज हुई है और इसमें इस तरह के ऑर्गेनिक मोलिक्यूल से ऑर्गेनिक कंपाउंड से लाइफ की ओरिजिन एक किस तरह का इवोल्यूशन है दैट इज केमिकल इवोल्यूशन क्या है केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू है तो दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ आज प्रेसिडेड बाई केमिकल इवोल्यूशन तो ये किसके कारण पॉसिबल हुआ केमिकल इवोल्यूशन के कारण जो है वो ये पॉसिबल हुआ है क्लियर तो आंसर सेकंड हो जाएगा इसका उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वन जीरो टू एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज इवोल्यूशन के एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस या भ्रोणीय प्रमाण जो है वो किस वैज्ञानिक ने दिए थे ग्रीक थिंकर्स अल्फ्रेड वेलस अंस्ट हील एंड चार्ल्स डार्विन कौन सा करेक्ट होगा एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट जो दिए थे वो अंस्ट हिकल ने दिए थे जिन्होंने बायोजेनेटिक लो जो है वो दिया था उसमें क्या बताया था इन्होंने ऑनटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी इट मीनस एक जीव का इंडिविजुअल जो इवोल्यूशन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है वो उसकी स्पीशीज के इवोल्यूशन को करता है क्लियर तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा इसके बाद आप देखें, अगर हम दुनिया की कहानी की व्याख्या करते हैं तो इवोल्यूशन को किस रूप में डिस्क्राइब करेंगे क्लियर इवोल्यूशन अपने आप में दोनों प्रोसेस है दोनों चीजें हैं प्रोसेस भी है और रिजल्ट ऑफ प्रोसेस भी है इफ यू डिस्क्राइब अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लाइफ अगर हम लाइफ की हिस्ट्री को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो इवोल्यूशन क्या रहता है एक रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है और अगर हम दुनिया की कहानी की बात करें इट मींस न्यू स्पीसीज कैसे कैसे अराइज हो रही हैं उसकी अगर हम बात करें उसको डिस्कस करें देन इवोल्यूशन इज ए प्रोसेस क्लियर क्योंकि हर स्पीसीज अंडर इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें कंटिन्यू इवोल्यूशन चल रहा है इसलिए वो क्या है एंड रिजल्ट ऑफ प्रोसेस नहीं होके एक प्रोसेस होती है क्लियर क्या पूछा है इसमें इफ व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हो तो क्या है प्रोसेस है और अगर याद है वैन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द लाइफ तो लाइफ की स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहे हैं देन इट इज फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा यह अपने आप में क्या है एक प्रोसेस है और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन टू द न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लोस्ट फ्रॉम ओल्ड पॉपुलेशन इफ दिस जीन माइग्रेशन बाई चांस दैट इज कोल्ड अगर ये बाई चांस हो रहा हो तो क्या कहेंगे कर किसी पॉपुलेशन में से सपोज दैट ये एक पॉपुलेशन है इस पॉपुलेशन में से कोई बाहर का जीन जो है वो एंटर कर रहा हो इसमें माइग्रेट कर गया हो तो जिस पॉपुलेशन से ये आया है उस पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा जीन पूल की वैल्यू कम हो जाएगी और जिस पॉपुलेशन के अंदर ये ऐड हुआ है उसके अंदर जीन पूल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी क्लियर यहां तक अगर ये प्रोसेस फ्रीक्वेंटली हो रहा हो बार बार हो रहा हो देन इट इज जीन फ्लो एंड बाई चांस हो रहा हो तब क्या कहेंगे इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट क्लियर तो दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट तो ये कंडीशन जो है नए जीन एलील एक नई समष्टि में जुड़ जाते हैं और वे पुरानी समष्टि से भी लुप्त हो जाते हैं जिस समष्टि में आए हैं उसमें जुड़ जाएंगे ऐड हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएगा जीन पूल जिस पॉपुलेशन से वो आए हैं उसका जो है वो जीन पूल डिक्रीज हो जाएगा क्लियर यदि ये जीन प्रवशन संयोगवश हो जाता है तो इसे क्या कहेंगे ये जीन अपवा होता है क्लियर तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट या जीन अपवा होगा क्लियर तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन जीरो फाइव नेचुरल सेलेक्शन इज ए प्रोसेस इन विच ए वेरिएशनिंग बेटर सर्वाइवल आर एनेबल्ड टू रिप्रोड्यूस एंड लीव बी नंबर ऑफ प्रोजेनी फिल ब्लैंक स्पेस ए एंड बी के थ्रू जो वेरिएशंस मानी जाती है, है क्लियर साथ -साथ आगे आगे तो इसमें नेचुरल सिलेक्शन इज ए प्रोसेस इन विच ए वेरिएशन एनेबलिंग बेटर सरवाइवल

और इसमें ग्रेटर नंबर है करेक्ट आंसर क्या जाएगा थर्ड हो जाएगा हेरिटेबल वेरिएशन होंगी जो आगे से आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन इनहेरिटेंस करती हैं, और उसके साथ साथ ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी ये प्रोड्यूस करती है इसमें क्लियर तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा इसके बाद आप देखें नेक्स्ट डायरेक्ट एंसेस्टर्स ऑफ आर्बोरसेंट हर्बेसियस लाइकोपोर्ट आर तो आर्बोरसेंट और अर्बेशियस लाइकोपोर्ट्स के डायरेक्ट इंसेस्टर्स कौन से होंगे तो इनके डायरेक्ट एनसेस्टर्स राइनिया टाइप टाइप्लांट्स ट्रेक्योफाइट एनसेस्टर्स साइलोफाइटोन प्रोजिमनोसम तो इनमें से अर्बेशियस और आर्बोरिसेंट लाइकोपोर्ट्स के जो डायरेक्ट इंसेस्टर्स है वो कौन से रहेंगे इनमें ट्रेक्योफाइट एनसेस्टर्स ये आपको ध्यान होगा एक आपके फ्लो चार्ट एनसीआरटी में दे रखा है जिसमें सबसे पहले इनमें जो है वो क्लोरोफाइट एनसेस्टर्स ये होते हैं क्लोरोफाइट एनसेस्टर से ट्रेकिफाइट एंसेस्टर्स इनसे ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर स्टार्टिंग में क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स और ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर से एक तरफ जो स्टेरोफिलम और दूसरा जो है वो इसमें राइनिया टाइप होते हैं इनसे राइनिया टाइप प्लांट्स यही बोल होते हैं और एक तरफ जोस्टेरोफिलम यही वोल होते हैं और जोस्टेरोम से फिर दो ब्रांचिंग जो है वो इसमें निकलेंगी एक आर्बोरसेंट लाइकोपोर्ट्स और दूसरे हर्बेशियस लाइकोपोर्ट्स एक तो हर्बेशियस और एक आर्बोरेपोट क्लियर और राइनिया टाइप से आगे साइलोफाइटोन इनसे साइलोफाइटोन यही बोल होते हैं साइलोफाइटोन से आगे फिर प्रोजिमनोस्पोम क्लियर तो करेक्ट जो है वो सिक्वेंस क्या रहेगी ये ट्रेकिट के डायरेक्ट एंसिस्टर्स होंगे क्लियर तो ये इसमें आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 107 जीरो सेवन वेरिएशन डू टू म्योटिक रिकॉम्बिनेशन आर म्योटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण जो वेरिएशन आती हैं वो कैसी होती हैं स्मॉल एंड डायरेक्शनल वेरिएशन होती हैं अकॉर्डिंग टू डार्विन

टू हंड्रेड मिलियन ईयर एगो कुछ जो है वो वाटर बॉडीज में आ गए थे उनको क्या कहा गया दैट वॉज एक तो ऐसे रेप्टाइल्स जो है वो क्या थे एकथियोसोर्स रेप्टाइल्स जो है वो किस में आ गए थे ये इनके अंदर जो है वो वापस पानी में आके रहने लग गए थे तो ये इसमें क्या आंसर आ जाएगा थर्ड आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन जीरो नाइन पाउच ट मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड बिकॉज लैक ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन के अभाव में या पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के अभाव में जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मार्सुपियल मैमल्स है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इवोल्व होते गए फ्रॉम एनी अदर मैमल्स ड्यू टू तो ये दूसरे मैमल्स से जो है वो कॉम्पिटिशन नहीं होने के कारण जो है वो खूब ज़्यादा इवोल्व होते गए खूब सारे इनकी जो है वो नई स्पीसीज है वो डेवलप होती गई

किस कारण से ऐसा पॉसिबल हुआ था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण ये पॉसिबल हुआ था क्लियर जिससे ये दूसरे कॉन्टिनेंट से सेपरेट हो गया था क्लियर तो ये इसमें सेकंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा इसके बाद आप देखें नेक्स्ट 110 सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग निम्न में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को छांटना आपको जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपको इसमें बताना है क्लियर तो इन करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानने के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट है जोलेस फिश प्रोबेबली वोल्ड अराउंड 350 मिलियन ईयर से करेक्ट क्या रहेगा ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गए 350 मिलियन ईयर से को जोलेस फिश इवोल्व हुई थी सीवीड्स समुद्री खरपतवार एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर से ये भी करेक्ट है कि ये भी 320 मिलियन ईयर से जो है वो ये इवोल्व हुए थे सीवीड्स और

ये सही है टू हंड्रेड मिलियन ईयर एगो कुछ जो है वो लैंड रेप्टाइल्स किसमें आ गए थे वाटर बॉडी में आके रहने लग गए थे जो अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था आपको जो क्या थे थे तो ये इनके अंदर जो है करेक्ट स्टेटमेंट है ये इसकी जगह जो है वो क्या था थ्री फिफ्टी मिलियन जो है वो ये पॉसिबल था कि जो स्टाउट और स्ट्रॉन्ग फिंस वाली जो फिशेज है वो ही हुई थी क्लियर आ तक तो ये इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है थर्ड ऑप्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा क्लियर तो ये इसमें आंसर क्या जाएगा इसका थर्ड आंसर हो जाएगा इसका तो इसमें ये अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 व्हिच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू ओरिजिन ऑफ लाइफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें पहला स्टेटमेंट है तो इसमें भी क्या पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर फर्स्ट लाइफ जो है वो वाटर में ओरिजिनेट हुई थी करेक्ट है एक्वेटिक लाइफ थी फर्स्ट फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ वर कीमो ये भी करेक्ट है कैसे थे सारे कीमो थे और उसके बाद है ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म्स प्रेसिडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन तो किसके कारण हुआ है लाइफ की ओरिजिन जो अर्थ पे हुई थी किसके कारण हुई थी केमिकल इवोल्यूशन के कारण हुई है, ये भी करेक्ट है। है उसके बाद फोर्थ, फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ वाज एरोबिक एंड प्रोकैरियोट्स। ये सही है प्रोकैरियोट्स थे लेकिन एरोबिक नहीं थे ये इसमें इनकरेक्ट हो गया क्यों क्योंकि उस टाइम तक अर्थ पर ऑक्सीजन थी नहीं शुरुआत में जब फर्स्ट लाइफ अराइज हुई थी उस टाइम तक पृथ्वी का या अर्थ का जो एनवायरमेंट जो था वो रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था उस पर फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी क्लियर इसलिए एरोबिक नहीं होकर कैसी थी फर्स्ट लाइफ अन एरोबिक थे तो ये इसमें स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया तो करेक्ट आंसर इसका क्या रह जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ क्लियर तो ये इसमें इसका करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ अब इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर ल्फ्रेड वेलेस ए नेचुरलिस्ट हुफ्रेड वेलेस भी डारविन के कॉन्टेम्प्ररी साइंटिस्ट थे और इन्होंने अपने जो कंक्लूजन लिए थे वो कहाँ की बायोडाइवर्सिटी स्टडी करके कर लिए थे ये इन्होंने जो कंक्लूजन लिए थे वो मलय आरकी पेले को इस आइलैंड की जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी स्टडी करके दिए थे क्लियर करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा

विदाउट सेडिमेंट्स के आप डायरेक्ट फोसल्स की स्टडी नहीं कर सकते fossils की एज डिटरमाइन नहीं कर सकते किसके बेस पर हो सकता है वो जिस सेडिमेंट्स के अंदर वो दबे हुए हैं जिस सेडिमेंट में वो बने हैं केवल हम उस सेडिमेंट की एज को कैलकुलेट कर सकते हैं जिसके लिए कार्बन डेटिंग मेथड है जो रिलेटिव डेटिंग मेथड है क्लियर उनके थ्रू जो है वो हम उस सेडिमेंट की एज को पता कर सकते हैं क्लियर तो ये इनमें करेक्ट आंसर जो है वो क्या आना चाहिए इसका फर्स्ट आंसर इसका

या कॉमन एंसेस्ट्री का मतलब जो है वो क्या होता है कि उनके एंसेस्टर्स किसी टाइम पर कॉमन रहे थे लेकिन बाद में इनके अंदर जो है वो कुछ वेरिएशन आई और वेरिएशन के कारण जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के फॉर्म में अराइज हो गए इस बात को इनमें से जो है वो कौन सा इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कॉमन एंसेस्ट्री को शो कर रहा है डाइवर्स ऑर्गेनिज्म हैव कंप्लीटली डिफरेंट प्रोटीन अगर डिफरेंट प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट है तो हम इसमें जो है वो मोलिकुलर होमोलॉजी नहीं बता सकते है। क्लियर यहाँ तक तो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है वो कम्पलीटली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सब के अंदर एक डिफरेंट प्रोटीन्स हो ये नहीं होता क्या होता है सेम प्रोटीन्स और जीन्स जो है वो सारे डिफरेंट स्पीसीज में प्रेजेंट होती है जो उनकी कॉमन एंसेस्ट्री को शो करती हैं किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए इनकी जो जीन्स होती हैं उन जीन्स और प्रोटीन्स के अंदर जो है वो सिमिलरिटीज प्रेजेंट होती हैं और उनमें इन सिमिलरिटीज का प्रेजेंट होना ही किसको शो करता है उनकी कॉमन एंसेस्ट्री को शो करता है क्लियर तो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली डिफरेंट प्रोटीन्स करेक्ट है सॉरी इनकरेक्ट है? है डाइवर्स ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट जीन्स तो ये भी इनकरेक्ट है सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के जीन्स नहीं होते हैं डाइवर्स ऑर्गेनिज्म सिमिलरिटीज़ इन जीन्स एंड प्रोटीन्स परफॉर्मिंग ए गिवन फंक्शन ये करेक्ट है एनसीआरटी की लाइन है कि डाइवर्स सिमिलरिटीज़ इन जीन्स एंड प्रोटीन्स परफॉर्मिंग ए गिवन फंक्शन किसी एक काम को करने के लिए डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है विभिन्न प्रकार के जो जीव है उनके प्रोटीन्स और जीन्स के अंदर समानताएं पाई जाती हैं क्लियर उसके बाद है सिमिलर ऑर्गेनिज्म में हैव डिफरेंट जीन्स एंड प्रोटीन्स ये भी इनकरेक्ट है सिमिलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट जीन्स और प्रोटीन्स का होना यह भी कॉमन एनसेस्ट्री को शो नहीं करता है क्लियर तो कॉमन एनसेस्ट्री को शो करने के लिए जो है वो इनमें करेक्ट क्या हो जाएगा थर्ड आंसर जो है वो इसके लिए करेक्ट होगा जो इनकी कॉमन एनसेस्ट्री को शो करता है क्लियर इसके बाद नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 115 115 फिफ्टीन है ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 17 75000 टू ईयर्स ऐस गो मॉडर्न डेवलप्ड अबाउट के दौरान पिछहत्तर से दस हजार वर्ष पूर्व आधुनिक की उत्पत्ति हुई प्रागैतिहासिक गुफा चित्र की कला का विकास हुआ था ध्यानों का भी केव आर्ट जो डेवलप हुई थी या भित्ती चित्रों का की कला जो विकसित हुई थी वो क्रोमेगन मैन में, में स्टार्ट हुई थी और क्रोमैग्नन मैन में के अंदर ये स्टार्ट हुई थी तो क्रोमैग्नन मैन में जो है वो उनके अंदर ये किस समय जो है वो इस आर्ट का डेवलपमेंट हुआ था तो ये आर्ट जो डेवलप हुई थी वो लगभग 18,000 ईयर से गो इस आर्ट का डेवलपमेंट हुआ था क्लियर यहां तक एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये कि ये 18,000 ईयर से गो ये गुफाओं में रहते थे केव्स में रहते थे और उसके साथ साथ इनकी केव आर्ट की जो वो है वो उसमें डेवलप हो गई थी क्लियर यहां तक तो ये इसका सेकेंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा एटीन थाउजेंड एगो, ये होमोसेपियंस ने केव आर्ट या वॉल पेंटिंग की आर्ट जो है वो इनमें डेवलप हो गई थी क्लियर तो करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 116 आइडेंटिफाई द करेक्ट मेथ विद रेफरेंस टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है कि दो डिफरेंट ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले जो एनिमल्स हैं उनके अंदर आपसी सिमिलरिटीज को शो करते हो तब उनको क्या कहेंगे ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होंगे टू डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करने वाले एनिमल्स में उनके अंदर प्रेजेंट सिमिलरिटीज किसको शो करती है उनके उनके कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करेगी क्लियर तो यहां आपको क्या बताना है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से रिलेट बताना है आंटीटर मार्सुपियल मोल लीमर स्पोटेड कसकस बोबकेट तस्मानिया वोल्फ मोल मार्सुपियल माउस इनके अंदर आपके एक टेबल दे रखी है एनसीआर में उस टेबल के अंदर सारों का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रखा है पैरल इवोल्यूशन बता रखा है तो इनमें जो पैरल इवोल्यूशन के अंदर जो सेम टाइप के जो सिमिलरिटी डेवलप होती है

इवोल्यूशन के रेफरेंस में इन करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है पहला स्टेटमेंट है व्हेन चारों ओर की वस्तुओं को देखते हैं तो अपन तुरंत उनको देख लेते हैं जो प्रेजेंट टाइम में हमारे साथ है क्लियर यहां तक इसका मतलब उनका इवोल्यूशन या उनकी ओरिजिन है वो लगभग अपने पैरेलल से हुई है Clear? ये correct है। है, जब हम इतने मिलों दूर जो जो हमारे से जो stars present है, उनको अगर हम देख रहे हैं इट मींस वी सी आवर पास्ट हम अपने भूतकाल को अपने पास्ट को देख रहे हैं ये भी करेक्ट है एन की लाइने है स्टीलर डिस्टेंसेस आर इन किलोमीटर्स स्टीलर डिस्टेंस तारों की जो दूरियां है उनको किससे मेजर करते हैं किलोमीटर से ये इनकरेक्ट है किससे मेजर करते हैं इनको प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर्स में मेजर किया जाता है इनको किसमें करेंगे प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर्स में जो है वो इनको मेजर करते है। हैं क्लियर यहां तक तो इनकरेक्ट हो गया थर्ड फोर्थ यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स आकाश गंगाओं का बड़ा समूह बड़ा गुच्छा वो क्या क्या बनाता है आकाश गंगाओं का बड़ा गुच्छ जो है या बड़ा समूह ये इनमें यूनिवर्स या ब्रह्मांड को बनाता है क्लियर ये भी करेक्ट है है तो इनकरेक्ट जो है, वो इसमें क्या रह गया इनकरेक्ट हो गया इसमें थर्ड कि स्टीलर डिस्टेंस को या तारों की दूरियों को किलोमीटर में नहीं लेके प्रकाश वर्षों में या लाइट ईयर्स में मापते हैं क्लियर तो थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अब उसके बाद आप देखेंट वन हंड्रेड एटीन टूर बट ऑल्सो विद लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ये हु कंक्लूडेड दैट एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स की एज जो लिविंग फॉर्म्स है वो आपस में तो एक दूसरे के साथ समानताएं दर्शाती हैं लेकिन इसके साथ साथ वे उन एंसेस्टर से भी सिमिलरिटीज शो करते हैं उन एंसेस्टर्स से उन पूर्वजों से भी समानताएं दर्शाती हैं जो इनसे कई मिलियन वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए थे क्लियर तो ये उन एंसेस्टर से भी सिमिलरिटी शो करती है ये बात किसने कंक्लूड की थी किसका रिजल्ट है ये डार्विनियन थ्योरी का क्लियर यहां तक चार्ल्स डार्विन ने जो है उस बात को कंक्लूड किया था कि ये किसको शो करते हैं सिमिलरिटी जो आज हम जितने भी एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स देख रहे हैं वो एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी शो करने के साथ साथ ये उन एंसेस्टर के साथ भी सिमिलरिटी शो करेंगे जो इनसे कई मिलियन ईयर से को इवोल्व हुए थे इट मीन्स कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं कि किसी टाइम इन सबके एंसेस्टर्स कॉमन रहे हैं क्लियर तो ये इनमें आंसर हो जाएगा इसका सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 119 द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू डार्विन के अकॉर्डिंग जो फिटनेस बताई गई थी या डार्विन ने जो उपयुक्तता बताई थी वो उपयुक्तता अल्टीमेटली जो है वो इन्होंने किसके परिप्रेक्ष्य में बताई थी वो उपयुक्तता या फिटनेस जो है वो इन्होंने रिप्रोडक्टिव फिटनेस के लिए बताई थी क्लियर आज करेक्ट आंसर क्या रहेगा फर्स्ट हो जाएगा आगे क्या दे रखा है फिट टू सर्च द फूड इजीली वुड को खोजने के लिए या अपने आप को प्रीडेटर से बचाने के लिए इनके लिए जो है वो वो फिटनेस फिटनेस नहीं थी वो fitness, क्या थी क्या बताई डार्विन के अकॉर्डिंग जो मोर फिट होंगे जो ज्यादा फिट होंगे वो इनके अंदर मोर प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं तो जो मोर प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं दे आर नेचुरली फिट फॉर नेचर क्लियर तो जो नेचर के लिए पूरी तरीके से फिट है वो ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं इट मीनस रिप्रोडक्टिव फिटनेस से रिलेटेड क्लियर करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 120 ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट करेक्ट बताना आपको कैनोटेशन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर जो है वो क्या है धार्मिक परंपरागत धार्मिक साहित्य जो है वो इसमें किस चीज़ को शो करते हैं तो इसमें कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर जो है या परंपरागत धार्मिक साहित्य के अनुसार जो कैनोटेशंस दिए गए थे वो थ्री कैनोटेशंस थे पहला कैनोटेशंस जो था वो क्या था कि क्रिएशन से लेकर अब तक जो डाइवर्सिटी है वो सेम बनी हुई है और आगे फ्यूचर में भी यही डाइवर्सिटी बनी रहेगी क्लियर इट मीन्स कोई नया चेंजेस नहीं आ रहा दूसरा जो है वो उसमें क्या बताया था कि ये इनके अंदर जो है वो किसी भी इसमें एक जो है वो इन्होंने बताया था कि अर्थ की ओरिजिन जो है वो फोर थाउजेंड ईयर्स बैक है वो अर्थ की ओरिजिन हुई है क्लियर एक इन्वें ये इसमें कन्वेंशनल रिलीजियस जो थ्योरी है उसमें एक पॉइंट जो है वो इसमें ये बताया था कि किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन जो है वो इन स्पीशीज में नहीं आते हैं स्टार्टिंग में जितनी स्पीशीज बन चुकी थी उतनी स्पीशीज आज तक है और फ्यूचर में वही स्पीशीज मेंटेन रहेगी क्लियर ये बात जो है वो उसमें बताई थी तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको देखना है तो पहला दे रखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वर इवॉल्वड थ्रू ग्रेजुअल प्रोसेस ये इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू वैसे तो सही है लेकिन किसके अकॉर्डिंग कन्वेंशनल रिलीजियस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो ये इनकरेक्ट है डाइवर्सिटी फ्यूचर में भीउट बिलियन ईयर्स ओल्ड इन करेक्ट इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या है फोर थाउजेंड ईर्स बैक जो है ये भी इन करेक्ट है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन रिलेट विद जियोलॉजिकल इवोल्यूशन इससे भी इन्होंने कोई रिलेट नहीं किया जियोलॉजी के इवोल्यूशन के साथ साथ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है ये भी कन्वेंशनल रिलीजियस थ्योरी में नहीं बताया इसने क्या बताया एक साथ ही जो है वो जितनी भी क्रिएशंस होनी थी जितनी स्पीशीज बननी थी जो शुरुआत में बन गई वो आज तक बनी हुई है क्लियर तो ये भी इसमें क्या है इनकरेक्ट हो गया तो करेक्ट स्टेटमेंट छांटना आपको क्या आ जाएगा इनमें सेकेंड स्टेटमेंट जो है उसके लिए करेक्ट हो जाएगा क्लियर उसके बाद नेक्स्ट वन वन ट्वेंटी वन

और ट के पैरल जो इवोल्यूशन है वो किसका है आंटीटर का थर्ड आंसर इसका करेक्ट होगा एन में जो टेबल दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ये दो, दोनों तीनों क्वेश्चन उस पर डिपेंड है सारे समझ में आ गई एक तो इससे पहले आपको बताया और ये क्वेश्चन जो है वो भी उस टेबल से रिलेट है जिसमें न्यूमबेट का पैरल इवोल्यूशन आपको देखना है न्यूमबेट क्या है ऑस्ट्रेलियन मार्शोपियल है उसके पैरल जो है वो उसमें Placental mammals, कौन सा है? है। वो वो तो ये इसमें इसमें हो जाएगा इसका और उसके बाद जो आप देखें Next. Question, 122 आउट द करेक्ट ऑफ प्लांट्स प्लांट्स के जो है वो इवोल्यूशन की करेक्ट सीक्वेंस आपको इसमें बतानी है इनमें अभी आपको थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने बना के बताया था कि सबसे पहले क्लोरोफाइट एंसेस्टर बनते हैं सबसे पहले क्या बनेंगे क्लोरोफाइट एनसेस्टर होंगे क्लोरोफाइट एनसेस्टर से ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर इनसे ट्रेकियोफाइट एनसेस्टर एनसीआरटी में दे रखा फ्लो चार्ट आपके ट्रेकियोफाइट एनसेस्टर से क्या बनेंगे राइनिया टाइप प्लांट्स इनसे राइनिया टाइप प्लांट्स और राइनिया टाइप प्लांट्स से इनसे क्या बताएंगे साइलोफाइटोन इनिया टाइप प्लांट से साइलोफाइटोन और साइलोफाइटोन से फिर प्रोजिम्नोस्पम क्लियर तो इनसे प्रोजिम्नोसम इनसे प्रोजिम्नोस्पम फिर सीडफन फिर इनसे सीड फन बनेंगे और सीड फन से फिर उसके बाद जो है वो डाइकोटोन मोनोकोटलडोन यही बोल होंगे क्लियर तो आपको इसमें सिक्वेंस देखनी है तो सिक्वेंस में फर्स्ट में आप देखें साइलोफाइटोन तो साइलोफाइटोन साइकेड्स ये सब जो है वो क्या है पैरल इवोल्यूशन इनका ये सिक्वेंस नहीं इनमें उसके बाद प्रोजिम्नोस्पम सीडफ एनजियोस्पम साइकेड्स तो ये इनके अंदर जो है वो के सीडफल साइकेट्स बन जाते हैं एनजियोस्पम के बाद साइकेड्स नहीं बनते क्लियर तक तो ये भी रॉन्ग हो गया ये भी रॉन्ग सिक्वेंस हो गई राइनिया टाइप साइलोफाइटोन सीड फोन्स डाइकोटो तो राइनिया टाइप ये हो गए साइलोफाइटोन उसके बाद सीड ये जीडफन सीड से आगे डाइकोटोन तो थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट सिक्वेंस आ जाएगी फिर ट्रेक्योफाइट क्लोरोफाइट ट्रेक्योफाइट क्लोरोफाइट से बाद में बनते हैं पहले नहीं होते तो ये भी इनकरेक्ट है तो करेक्ट सिक्वेंस जो है वो क्या रहेगी इसमें थर्ड जो है वो इसके लिए

क्रेनियल कैपेसिटी जो रही थी वो क्या रही थी 650 से 800 हंड्रेड सी क्रेनियल कैपेसिटी रही थी और ये हरबी बोर्स थे मीट नहीं खाते थे इस टाइप का जो होमिनिड फैमिली का मेंबर बना था वो कौन था होमो हैबिलिस क्लियर तो फर्स्ट आंसर इसके लिए करेक्ट हो जाएगा होमो हैबिलिस क्लियर और उसके बाद इनमें जो है वो नेक्स्ट आप देखें वन ट्वेंटी फोर प्लेसेंटल मेमल्स इन ऑस्ट्रेलिया

वहाँ पर प्रेजेंट जो प्लेसेंटल मैमल्स है उनके साथ सिमिलरिटी शो करते हैं तो ये किस टाइप का इवोल्यूशन है या किस तरह का केस है प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया हैज़ वेरिएबल फॉर्म्स तो प्लेसेंटल मैमल्स की जो वेरिएबल फॉर्म्स बनेंगे ऑस्ट्रेलिया में वो तो क्या थी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और वो वहां के वारसुपियल मैमल्स के साथ पैरेललिज्म शो कर रहे हैं उनके साथ सिमिलरिटी शो कर रहे हैं वो क्या है

Clear? उसके बाद उसमें, next आप देखें, 125 by या ह्यूमन मैनुपलेन से जो है वो इनके अंदर अगर किसी नई तरह की स्पीसीज का इवोल्यूशन होता हो तब हम उसको कहेंगे एंथ्रोपोजेनिक एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन में जो है वो आपको इनमें से देखना इवोल्यूशन ऑफ डार्विन फिंचेस ये क्या था वो नेचुरल सिलेक्शन था उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन ऑफ ब्लैक मॉथ आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है नेचुरल सिलेक्शन रहा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रोब्स इन बैक्टीरिया का बनना ये अपने आप में क्या है एक एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का बनना पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट पेस्ट का बनना और स्केलावा ऐसे ही डी रेजिस्टेंट मॉस्किटो का बनना ये सारे जो इवोल्यूशन है वो किस टाइप के इवोल्यूशन है वो सब एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है क्लियर तक तो इनमें कौन सा रहेगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल ये भी नेचुरल प्रोसेस है तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन जो है वो इनमें से कौन सी है थर्ड है वो इसके एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है क्लियर तो आंसर आ जाएगा थर्ड इसका और उसके बाद जो है वो आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन ओरिजिनल फीचर ऑफ डारविन फिंचलापेगोस आइलैंड पर एडेप्टेड फोर गैलापेगोस आइलैंड पे जो डार्विन थी वो ओरिजिनली क्या थी सारी की सारी थी वो स्टार्टिंग के अंदर सब सीड ईटर थी लेकिन वहां से जैसे जैसे वो माइग्रेट होती गई वैसे वैसे उनकी फीडिंग नेचर चेंज होने के कारण कुछ फ्रूटि वोर्स हो गई कुछ इंसेक्टिवर्स हो गई कुछ वुड पैकर हो गई ये सारे चेंजेस है वो उनमें आफ्टर माइग्रेशन के हुए क्लियर यहां तक इसलिए ओरिजिनल फिडिंग नेचर के अकॉर्डिंग जो थी वो सारी किस तरह की थी वो सब की सब जो है वो सी डीटर थी क्लियर तक थर्ड तो ऑप्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा कि ये सारी जो है वो कैसी रही थी सीड इटर जो है वो रही थी तो ये इनके अंदर फर्स्ट ऑप्शन ये थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें वन ट्वेंटी सेवन मॉडर्न ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स है डोमेस्टिक डॉग्स की आज जो मॉडर्न ब्रीड्स जो देख रहे हैं अलग अलग टाइप की खूब सारी ब्रीड्स आ रही है जर्मन सेफर्ड है पोमेरियन है ये सारी जो ब्रीड्स अलग अलग आ रही है लेब्राडोर आ रहा है ये सब अलग अलग जो स्पीशीज ये जो ब्रीड्स बन रही हैं इनकी तो डॉग इन, की इन डिफरेंट टाइप की डोमेस्टिक ब्रीड्स का बनना ये सारा जो है वो क्या है एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन है ये क्या है सब आर्टिफिशियल सिलेक्शन है जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू जो है वो तैयार की जा रही है क्लियर तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या आना चाहिए इसका सेकेंड आ जाएगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू हो रही है क्लियर उसके बाद नेक्स्ट आप देखें वन ट्वेंटी एट पेलेंटोलॉजिकल एविडेंस फॉर रिवोल्यूशन रेफर टू पैलेंटोलॉजिकल का मतलब जो है वो क्या होता है जीवाश्म की तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस या की प्रमाण जो है वो किससे रिलेट होते हैं जीवाश्म से या से रिलेट होते हैं ध्यान तो है? तो होगा आपको सेडिमेंट्स के अंदर जो है, वो पैट्रीफाइड जो पार्ट बच जाता है बॉडी का वो पैट्रीफाइड रिमेन्स उन्हीं को क्या कह देंगे फोसिल्स कहेंगे पैट्रीफाइड रिमेन्स लगातार उसके ऊपर जो है वो सेडिमेंट्स डिपोजिट होते जाएंगे और सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के कारण सॉफ्ट पार्ट है वो बॉडी का डेमेज हो जाएगा स्ट्रो हो जाएगा ड्राई हो जाएगा और हार्ड पार्ट जो है उसके इम्प्रेशंस जो है वो पैट्रीफाइड रिमेंस के फॉर्म में इन चट्टानों के बीच बीच में दबे रह जाते हैं जो क्या होते हैं फॉसिल्स होते हैं तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस जो है वो जनरली किससे रिलेट होता है फॉसिल्स से रिलेट होता है थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा क्लियर अब इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 129. 129 है 9 है का स्क्वायर ये इक्वेशन फर्स्ट टाइम जो यूज की थी इवोल्यूशन के संदर्भ में जो यूज की थी फर्स्ट टाइम वो किसने की थी विनबर्ग ने की थी हार्डी विनबर्ग लो को शो करता है ये जहां किसी लार्ज पॉपुलेशन में जीन पुल की वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट बनी रहती है क्लियर तक और वहां उसकी जीन पुल को जीन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां जो है वो हार्डी विनबर्ग ने ये क्वेश्चन दी थी p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर है वो यहाँ जो है वो किसको शो करेगी डोमिनेंट एलील की होमोजाइगस कंडीशन को तो ये डोमिनेंट एलील की होमोजाइगस कंडीशन को टू पी क्यू है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन को और क्यू है वो इसमें होमोजाइगस को क्लियर है है इनको शो करता है और ये जनरली किसको रिप्रेजेंट करती इक्वेशन पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लिए ये किसके लिए यूज की थी इन्होंने पॉपुलेशन जेनेटिक्स पे जो है वो हार्डी और विनबर्ग ने दोनों ने फर्स्ट टाइम इसको यूज किया था क्लियर तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा इसका फर्स्ट हो जाएगा पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लिए क्लियर उसके बाद देखें नेक्स्ट 130 थर्टी विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑब्जर्व इन इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इन मोथ वेस्टर्न ब्यूटूलिया वेस्टर्न ब्यूटेरिया मोथ के अंदर जो इंडस्ट्रियल मेलनिज्म इसको ऑब्जर्व किया गया तो वो किस टाइप का सिलेक्शन था ये एक डायरेक्शनल सिलेक्शन था कि जिस डायरेक्शन में नेचर में चेंज आते गए उस डायरेक्शन में जो एडेप्टिव वेरिएशन जिनके अंदर आ गई वो इंडिविजुअल्स, वो एनिमल्स बचे रह गए और जिनके अंदर उसके अकॉर्डिंग नई वेरिएशंस या एडेप्टिव वेरिएशंस नहीं आ सकी वो उसमें से एक्सटिंक्ट होते गए क्लियर यहाँ तक इस तरीके से जो है वो नंबर्स ब्लैक मॉथ के नंबर है वो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होते गए और व्हाइट मॉथ के नंबर है वो डिक्रीज होते गए किस कारण से क्या कारण था इनका नेचुरल सिलेक्शन और ये नेचुरल सिलेक्शन जो है वो किस टाइप का था ये नेचुरल सिलेक्शन डायरेक्शनल सिलेक्शन था कि जिस डायरेक्शन में एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एडेप्टिव वेरिएशन्स वालों का नेचर सेलेक्ट कर लेती है वो नंबर्स में इंक्रीज हो जाते हैं और जो मीडियन वैल्यू वाले जो होते हैं या एवरेज वैल्यू कैरेक्टर के जो होंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं नंबर्स में तो किस टाइप का ये डायरेक्शनल सिलेक्शन हो जाएगा सेकेंड आंसर इसके लिए करेक्ट हो जाएगा अब उसके बाद आप देखें वन थर्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इंडिकेटर इंडस्ट्रियल पॉल्यूकेशन पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में जो है वो इनमें से सबको ध्यान है भाई आपको लाइकेन होती है जो पोल्यूटेड एनवायरमेंट में नहीं होती क्लियर यहाँ तक लाइकेन का प्रेजेंट होना ये अपने आप में शो करता है कि वहां किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं है पोल्यूशन की प्रेजेंस में लाइकेन नहीं बनती तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड क्लियर उसके बाद आप देखें नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 132 थर्टी टू द प्री बायोटिक एनवायरमेंट ऑन अर्थ हैड रिड्यूसिंग है इट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इन टू एन ऑक्सीडाइजिंग एटमोस्फियर डू टू द इमरजेंस ऑफ प्री बायोटिक एनवायरमेंट इट मीन्स पूर्वजीवी वातावरण जीव से पहले का या जीवन से पहले का जो वातावरण जो था वो अर्थ का कैसा था वहां रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था जो अचानक से इट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इन टू ऑक्सीडाइजिंग एटमोस्फेयर ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ तो जो रिड्यूसिंग एनवायरमेंट अर्थ का जो है वो लाइफ ओरिजिन से पहले था वो रिड्यूसिंग एनवायरमेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट में कन्वर्ट हो गया तो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट का बनने का मेन कारण जो है वो क्या रहता है किसकी उत्पत्ति के कारण या किसके ऑरिजिन के बाद किसके इमरजेंस के कारण जो है वो रिड्यूसिंग एनवायरमेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट में कन्वर्ट हो गया तो क्या आना चाहिए इसका किसके कारण हुआ ब्रायोफाइड्स तो बहुत काफी टाइम बाद बने थे फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स ये करेक्ट आंसर है इसका यूकैरियोटिक एल्गी भी बाद में बने थे एनजियोस्पम भी बाद में बने थे सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट जो आया वो किसके कारण आया फोटो सिंथेटिक के कारण आए थे क्योंकि तो पहला फर्स्ट लाइफ जो ओरिजिनेट हुई थी राइज हुई थी वो कैसे थे कीमो कीमोहैट्रोट्रोप्स थे उनसे बने कीमो ऑटोट्रोप्स कीमो ऑटोट्रोप्स से जो इवोल्यूशन हुआ वो किसका हुआ फोटोसिंथेटिक प्रोकेडियोर्ट्स का फोटो ऑटोट्रोप्स जो बने थे उन्होंने फर्स्ट टाइम साइनोबैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म बने थे उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो अर्थ पर ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू किया था जिससे अर्थ का जो रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था वो सारा का सारा चेंज होकर कैसा हो गया वो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट हो गया क्लियर तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा इसका सेकेंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर वन द करेक्ट सिक्वेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द कंपाउंड ऑफ द ऑन द ऑनमिटिव अर्थ प्रिमिटिव अर्थ पर जो है वो करेक्ट सिक्वेंस आपको देखनी है कंपाउंड्स के बनने की फर्स्ट ऑप्शन में देखें अमोनिया न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन वाटर वेपर वाटर वेपर जो है वो पहले ही बन गए थे क्लियर तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट सिक्वेंस होगी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिथेन अमोनिया इनकरेक्ट है पहले सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे जबकि इसमें क्या बता रहा है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को पहले शो कर रहा है जबकि ये इनके बाद बने इनकरेक्ट तो हो गई उसके बाद अमोनिया वाटर न्यूक्लिक एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है पहले कौन सा बनना चाहिए एसिड बनना चाहिए न्यूक्लिक एसिड बनना चाहिए पहले एमिनो एसिड बनेगा उसके बाद न्यूक्लिक एसिड बनेगा तो इसकी सीक्वेंस इसके बाद आनी चाहिए थी ये भी इनकरेक्ट हो गया उसके बाद आप देखें अमोनिया वाटर वेपर एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स ये करेक्ट सीक्वेंस है पहले अमोनिया बनी वाटर वेपर बने इस तरह के सिंपल कंपाउंड जो है सिंपल इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स जो है वो इसमें बन गए थे और उसके बाद जो है वो इनसे ये एमिनो एसिड सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड और उनसे फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे तो करेक्ट सीक्वेंस जो है उसकी क्या रहेगी फोर्थ जो है उसकी करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगी क्लियर उसके बाद आप देखें 134

उसके बाद उसमें लाइक थ्री चैम्बर्ड हर्ट बनेगा और उसके बाद फोर चेंबर्ड स्टेज में आता है तो स्टार्टिंग के अंदर जो मेमेलियन हर्ट का इवोल्यूशन या उसका डेवलपमेंट देखें तो फर्स्ट टाइम वो टू चैम्बर्ड फिश लाइक हट होगा सेकंड टाइम थ्री चैम्बर्ड फ्रोग लाइक हर्ट एंड एट लास्ट इट कन्वर्ट इनटू द फोर चैम्बर्ड हर्ट तो ये किस चीज़ को रिपीट कर रहा है ऑनटोजेनि रिपीट्स फाइलोजेनी ये इस बात को इंडिकेट करता है कि मैमल्स का जो इवोल्यूशन हुआ है वो फिश लाइक -like से एम्फीबियन लाइक -like हुआ फिर उससे रेप्टिलियन टाइप के हुए फिर उनसे आगे एमेलिया इवॉल्व हुआ इट मीन्स ऑनटोजेनि रिपीट्स फाइलोजेनी इस बात को ये इंडिकेट कर रहा है इस बात को इंडिकेट कर रहा है इट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इच हाइपोथेसिस कौन सी हाइपोथेसिस से रिलेटेड बायोजेनेटिक लॉ से रिलेटेड ध्यान है ना कि कल ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी वो क्या है बायोजेनेटिक लो है तो ये बायोजेनेटिक लो से रिलेट होता है क्लियर थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बाद आगे करें नेक्स्ट 135 थर्टी द हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल कैन नॉट ऑपरेट इफ हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो किस कंडीशन में ऑपरेट नहीं होता कैन नॉट ऑपरेट इफ किस कंडीशन में वो लागू नहीं हो सकता तो इसमें आप देखें फर्स्ट दे रखा है द पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज करेक्ट है लार्ज पॉपुलेशन पे अप्लाई होता ही होता है फैली शर्त इसकी होती है कि पॉपुलेशन लार्ज हो और सारे इंडिविजुअल्स की रेंडम मैटिंग हो क्लियर उस कंडीशन में ही एप्लीकेबल होता है तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा द पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज सेकेंड फ्रिक्वेंट म्यूटेशन अफकोर्स इन द पॉपुलेशन ये इनकरेक्ट है इस कंडीशन में ये जो है वो पॉपुलेशन का जीन पुल कांस्टेंट नहीं रहेगा यानी जीन पुल बता रखा है वेनबर्ग के अकॉर्डिंग क्या होता है किसी लार्ज पॉपुलेशन में अगर सभी इंडिविजुअल्स जो है वो मैटिंग कर रहे हो तो उनमें जीन इंडिविजुअल की वैल्यू जनरेशन टू जनरेशन कॉन्स्टेंट बनी रहती है क्लियर ये बात बताई थी हार्डी और विनबर्ग ने अब इसके अंदर आप देखें कि ये किस कंडीशन में ऑपरेट नहीं होगा किस कंडीशन पर लागू नहीं होता पॉपुलेशन लार्ज हो लागू होगा फ्रीक्वेंट म्यूटेशन हो तो लागू नहीं हो सकता क्योंकि म्यूटेशन के कारण जो है वो जीन पूल की वैल्यू चेंज हो जाती है इसको फाइव फैक्टर है वो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो है उसको इफेक्ट करते हैं समझ रहे जीन पूल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं तो जीन पूल की वैल्यू को ये चेंज करने वाले जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से होते हैं म्यूटेशन होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है नेचुरल सिलेक्शन जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट ये फाइव फैक्टर जो है वो इसको इफेक्ट कर सकते हैं तो फ्रीक्वेंट म्यूटेशन अकर इन पॉपुलेशन तो ये इसको ऑपरेट नहीं कर पाएगा द पॉपुलेशन हैज नो चांस ऑफ इंटरेक्शन विद अदर पॉपुलेशन सेपरेट है पूरी तरीके से ये अदर पॉपुलेशन है ये अलग पॉपुलेशन है इसके इंडिविजुअल इसमें नहीं आ रहे हैं इसके इंडिविजुअल इसमें नहीं, नहीं आ रहे हैं तो किसी भी तरह का इंटरेक्शन अगर नहीं हो तो कोई चांसेस इंटरेक्शन के नहीं हो तो भी क्या रहेगा ये भी इसको पॉपुलेशन को ये आर डिविन प्रिंसिपल को ऑपरेट होगा फ्री इंटरब्रीडिंग अकर्स अमंग ऑल इंडिविजुअल्स ये आपको बताई थी कि रेंडमली मैटिंग हो रही हो तो फ्री ब्रीडिंग का मतलब ये क्या है रेंडमली मैटिंग हो रही हो कहीं भी सेलेक्टिव ब्रीडिंग नहीं करवा रहे हैं तो भी क्या रहेगा जीन पूल की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी तो जीन पूल की वैल्यू कब चेंज हो जाएगी इसमें अगर फ्रिक्वेंट म्यूटेशन अगर हो रहे हो तो जीन पूल की वैल्यू चेंज हो जाएगी उस कंडीशन में ये प्रिंसिपल जो है वो ऑपरेट नहीं होगा या तो इस पर एप्लीकेबल नहीं होता क्लियर तो क्या जाएगा इसमें सेकेंड आंसर जो है वो इसका एग्जांपल 136. 136 जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है ऑस्ट्रेलियन मार्शोपियल है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में इनकी इवॉल्व होती गई तस्मानिया वॉल्फ एंटीटर मार्सुपियल रेड कंगारू कोला फ्लाइंग फैलेंजर ये सारी इनकी जो है वो डिफरेंट स्पीसीज ये इनकी जो इवोल्व हुई है तो इसमें आप देख रहे हैं भाई ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो है इन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है जहाँ किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट से अलग अलग जगह पे माइग्रेट हो रहे हैं और अलग अलग जगह माइग्रेट होने के बाद जो है वो इसकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ इवॉल्व हो रही है तो डिफरेंट हैबिटेट में माइग्रेट होने से उनके अंदर वेरिएशंस आ जाना और उन वेरिएशंस के कारण न्यू स्पीशीज का हो जाना वो वो क्या होता है 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 इनमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन तो ये ये जो डायग्राम किसको शो कर रहा ऑस्ट्रेलियन के डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहा है क्लियर तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसका फोर्थ आंसर जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा अब सारी विकास या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट देखें नेक्स्ट इसमें इसमें आप देखें नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 137. थर्टी सेवन अकॉर्डिंग टू ओपेरिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमोसफेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं था इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ अर्थ के प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर पे जो है वो ऑक्सीजन नहीं थी इसीलिए अर्थ का एनवायरमेंट जो है वो उस टाइम कैसा था रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था क्लियर तक तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप नंबर एट इन इवोल्यूशन स्टडी कैन बी मेड एट मोलिकुलर लेवल फॉर एग्जाम्पल सिमिलरिटीज इन प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म आर द एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मोलिकुलर एनालॉजी मोलिकुलर होमोलॉजी एडेप्टिव कन्वर्जेंस तो ये इनके अंदर क्या है इनमें किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोटीन्स और जीन्स के अंदर सिमिलरिटीज होती हैं वो किसको शो करती हैं इनकी कॉमन एंसेस्ट्री को शो करती हैं कॉमन एंसेस्ट्री को शो कर रही हैं इट मीनस ये प्रोटीन्स और जीन्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये दोनों जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोलिकुलर होमोलॉजी को शो कर रहे हैं क्योंकि ये प्रोटीन्स और जीन्स की जो फॉर्मेशन होती हैं समझिए ना होमोलॉजी किसके लिए आती है जिनके अंदर जो है वो ओरिजिन सेम होती हैं तो ये सेम टाइप का इनका कंपोजिशन होता है कि जीन्स जो बनेंगी या प्रोटीन्स जो बनेंगे वो सेम टाइप की कंपोजिशन वाली जीन्स और प्रोटीन्स बनेंगी और सेम फंक्शन को परफॉर्म करेंगी क्लियर आ तक तो ये इनके अंदर जो है वो क्या रहेगा मोलिकुलर होमोलॉजी हो जाएगा तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, 139 है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोज इन ज्योमेट्रिक रेशियो बाई द फूड मटेरियल इंक्रीज इन अर्थमेटिक प्रोपोर्शन, इट इज स्टेटमेंट फ्रॉम ये स्टेटमेंट जो है वो किसने दिया था ये किसका स्टेटमेंट है कि पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है वो तो ज्योमेट्रिकल रेशियो में हो रही है वो तो फास्टली या रैपिडली जो है वो इंक्रीज हो रही है जबकि फूड रिसोर्सेज या फूड मटेरियल है वो अर्थमेट्रिक प्रोपोर्शन में जो है वो इंक्रीज हो रहा है ये किसका स्टेटमेंट है माल्थस का और माल्थस के इस पॉपुलेशन पर जो ऐसे दिया गया था उसी से इन्फ्लुएंस होकर जो है वो डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी क्लियर किसके बेस पर माल्थस से इन्फ्लुएंस होकर दी थी तो माल्थस का स्टेटमेंट है ये कि ज्योमेट्रिक वैल्यू में ज्योमेट्रिक पोर्शन प्रोपोर्शन में जो है वो क्या बढ़ रही है ट्रिक रेशियो में पॉपुलेशन बढ़ रही है जबकि ये अर्थमेट्रिक प्रोपोर्शन में जो है वो फूड मटेरियल बढ़ रहा है इसलिए क्या होगा इनके बीच कंपटीशन होगा कंपटीशन होने के कारण जो है वो पॉपुलेशन एक जो है वो फ्लैक्चुएट सीजनल फ्लैक्चुएशन के बाद भी कॉन्स्टेंट रह जाती है क्लियर तो पॉपुलेशन को स्टेबल बनाए रखने के लिए क्या रहेगा इनमें इनके बीच स्ट्रगल या कॉम्पिटिशन रहेगा क्लियर ये बात माल्थस की थ्योरी कही है ठीक है उसके बाद आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड कॉलम को मैच करवाते हुए सही विकल्प को सही ऑप्शन को करेक्ट करना क्लियर तो सही विकल्प को छाटने के लिए देखिए सबसे पहले साल्टेशन साल्टेशन किसने यूज किया था डिब्रिल्स ने म्यूटेशन के लिए इन्होंने कैट यूज किया था साल्टेशन ए सिंगल स्टेप इन लार्ज म्यूटेशन उसके बाद ऑरिजिन ऑफ लाइफ वॉज प्रेसिडेड बाई केमिकल इवोल्यूशन ये किसने दिया था एंड ओपेरिनडेन ने रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में बताया था डार्विन ने और लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ये बताया था लुइस पास्चिन ने क्लियर तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या आना चाहिए थर्ड फोर्थ फर्स्ट एंड सेकेंड तो थर्ड फोर्थ फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट एंड सेकेंड के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा थर्ड फोर्थ सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड तो सेकेंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर समझ में आ गया अब इसके बाद आप देखें उसमें क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी क्वेश्चन नंबर 141 फोर्टी वन द फॉलोविंग आर सेम फॉलोइंग इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर फॉर दीज इवेंट्स इनमें से सबसे पहले इवोल्यूशन हुआ, हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ वो आपको इसमें बताना है तो करेक्ट ऑर्डर जो है वो आइडेंटिफाई करना है तो करेक्ट ऑर्डर आइडेंटिफाई करने के लिए देखिए आप सबसे पहले क्या दे रखा है इनमें फर्स्ट हेट्रोट्रोफिक प्रोकेरियोर्स फर्स्ट जीन्स फर्स्ट यू के प्रोकेरियोर्स फर्स्ट एनिमल्स इनमें से सबसे पहले जो है वो क्या बनना चाहिए फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए फर्स्ट जीन बनेगा और फर्स्ट जीन बनने के बाद जो है वो पहला ऑर्गेनिज्म जो बनेगा वो कैसा आया था फर्स्ट लाइफ जो आई थी फर्स्ट प्रोकैरियोट्स बने थे सेकंड so नंबर पे आ जाएगा ये उस हेट्रोट्रोफिक लाइफ से जो है वो क्या आया था ऑटोट्रोफिक लाइफ आई थी ऑटोट्रोफिक so, जो है वो डेवलप हुए थे और उसके बाद इनसे यू डेवलप हुए और यू के के बाद जो है वो फर्स्ट मेमल डेवलप हुए थे तो लास्ट नंबर पे आएगा मेमल्स ये एनिमल्स क्लियर तो इसके अकॉर्डिंग क्यू सबसे पहले आएगा क्यू के बाद पी आएगा पी के बाद जो है वो एस और एस के बाद आर और आर के बाद टी तो क्या आंसर आना चाहिए सेकेंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा क्यू पी एस आर टी क्लियर समझ में आ गया इस टाइप से जो है वो इसका करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा इसके बाद आप देखें क्वेश्चन 142 डार्विनिज्म एक्सप्लेन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट डार्विनिज्म ने एक को छोड़कर जो है वो सबको एक्सप्लेन किया था पहला स्टेटमेंट है ऑफस्ट्रिंग विद बेटर ट्रेड्स दैट ओवरकम कंपटीशन आर बेस्ट सुटेड फॉर द एनवायरमेंट जो प्रतिस्पर्धा को दूर करने वाले अच्छे लक्षणों वाले बेहतर लक्षणों वाले इंप्रूव कैरेक्टर वाले जो संततियां होती हैं वो पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है करेक्ट है ये ये बात इन्होंने बताई थी कि जिनमें कंपटीशन जो है वो ज़्यादा नहीं हो तो वो क्या हो जाएंगे वो नेचर के थ्रू सेलेक्ट कर ले जाएंगे या हर कॉम्पिटिशन को जो अपने आप को जो है वो प्रूव करके दिखा दे जो सक्सेस हो जाए वो एनवायरमेंट के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल होंगे वेरिएशन में और मे नॉट बी

कि जो भी वेरिएशंस हो जाती हैं वो वेरिएशन नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन इनहेरिटेंस करती है ये बात बताई थी तो ये इसके लिए इनकरेक्ट हो गया है एक तो जींस के बारे में कोई भी डार्विन को पता नहीं था ठीक है उसके बाद विद इन ईच आर वेरिएशन हर स्पीसीज के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस पाई जाती हैं ये बात भी करेक्ट है ऑर्गेनिज्म टेंड टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ प्रोजीनि दैट कैन सरवाइव जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा से ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो लंबे टाइम तक सरवाइव करते हैं तो तो ये भी इसके लिए करेक्ट है स्टेटमेंट तो इनमें क्या पूछा है डार्विनिज्म एक्सप्लेन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट किस एक को छोड़कर सारी चीजों को एक्सप्लेन किया था सेकंड जो स्टेटमेंट है वो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था जींस के थ्रू जो है वो इनहेरिटेंस के बारे में इन्होंने नहीं बताया था और दूसरा इनहेरिटेंस में भी इन्होंने क्या बताया था कि हमेशा वन पेरेंट्स पेरेंट्स टू प्रोजेनी जो है वो इन वेरिएशंस की इनहेरिटेंस होती हैं अब कैसे होती हैं वो इनको कोई पता नहीं था क्लियर तो ये इनमें सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर वन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन लीडिंग टू स्पेशन इज ऑल्सो कोल्ड क्या कहेंगे सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को जो है वो क्या नाम दिया गया था साल्टेशन का नाम दिया गया था क्लियर करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा saltation. उसके बाद अब देखें क्वेश्चन नंबर फोर अकॉर्डिंग टू लेमार्किज्म लॉन्ग नेक्ड जिराफ एवोल्ड बिकोस लेमार्क के अकॉर्डिंग जिराफ की जो लंबी गर्दन हुई थी वो किस कारण से हुई थी कंटिन्यू कई जनरेशन तक जो है वो उन्होंने ऊंचे पेड़ों की जो पत्तियों को खाने के लिए नेक को जो है वो स्ट्रेच करना उसके ऊपर तनाव लगाना शुरू कर दिया था उसके बार बार जो जो है है उस नेक के के है, नेक के के यूज करने कारण वो फ्रिक्वेंटलीट हो गई क्लियर तो करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए फोर्थ आंसर हो जाएगा ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ ओवर मेनी जनरेशन बाई शोर्ट नेक शोर्ट नेक वालो जिराफ ने बार बार यहाँ हर जनरेशन टू जनरेशन जो है वो इन्होंने ऊंचे पेड़ों को खाने के लिए अपनी नेक को बार बार स्ट्रेच करने लग गया फ्रिक्वेंटली उसको यूज़ करने लग गए जिसके कारण से वो मोर डेवलप्ड हो गई बताया था लेमार्क ने यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गैन्स ऑर्गेंस को फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं जितने ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे जिनका यूज़ नहीं कर रहे हैं वो धीरे धीरे इनमें जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे क्लियर तो ये फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग और उसके बाद जो है वो आप देखें देखेंट वन फोर्टी फाइव इंडस्ट्रियलिज्मिज्म या औद्योगिक कृष्णता को देखा गया था वो किस बात को प्रूव करती है द मेलोनिक फॉर्म ऑफ द मोथ हैज नो सेलेक्टिव एडवांटेज ओवर लाइटर फॉर्म इन इंडस्ट्रियल एरिया ये जो है वो प्रूव नहीं करते इनकरेक्ट द लाइटर फॉर्म ऑफ फॉर्म मोथ हैज़ नो सेलेक्टिव एडवाटेज आइदर इन पोल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया और नॉन पोल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया ये भी इनकरेक्ट हो गया कि लाइटर फॉर्म ऑफ मोथ्स जो है उसके लिए भी कोई भी प्रदूषित या अप्रदूषित जो इसमें एरिया है औद्योगिक एरिया है उसमें किसी भी तरह का इसके लिए चयनात्मक जो एडवांटेज है या महत्व तो उसका नहीं था मेलेज में जो पॉल्यूशन जनरेटेड फीचर ये इज मीजिए पोल्यूशन जनरेटेड फीचर ये भी ठीक है स्टेटमेंट लेकिन इनके अंदर जो है वो क्या था मेलनीज मैज ऑब्जर्व इन पेपर्ड मॉथ क्या करता है ये इस बात को तो ये भी इसके लिए सही नहीं है ट्रू ब्लैक मेलोनिक फॉर्म्स एस्केप्ड जो ब्लैक मेलोनिक फॉर्म्स जो थे वो अपने आप को बचा सके थे एस्केप्ड नोटिस सो नोटिस सो दे मैनेज टू सरवाइव रिजल्टिंग इन मोर पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक मॉथ्स लगातार ब्लैक मोथ जो थे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद अपने आप को क्रिडेटर बर्ड से बचा सकने में कैपेबल रहे थे सक्षम रहे थे इसलिए नेचर ने उनको सेलेक्ट कर लिया और नेचर के थ्रू जो सिलेक्टेड होते गए उनकी पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ती गई तो ये इनके अंदर जो है वो इस बात को प्रूव कर रहा है फोर्थ तो आंसर इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर यहां तक इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन प्राइमेट विच एग्जिस्टेड 15 मिलियन मिलियन ईयरस एगो जो प्राइमेट्स एग्जिस्ट थे वो कौन से थे, और जैसे एप जो थे, वो उस पे थे। कौन से थे? 15 थे, वो पिथेकस, पिथेकस थे और उसके बाद उनसे जो इवोल्व हुए थे वो एप मैन इवोल्व हुए क्लियर तो कब का पूछा ये 15 मिलियन ईयर्स एगो पूछा है तो कौन से थे

दोनों स्कल्स में जो है वो आपको डिफरेंट डिफरेंस आपको बताना है इसमें तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस बताएंगे तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस में आप देखिए पहला दे रखा है स्कल ए हैज मोर टीथ देन स्कल बी ये इनकरेक्ट है टीथ के अकॉर्डिंग कोई जो है वो ज़्यादा इसमें क्योंकि बी के अंदर जो है वो टीथ ए की बजाय ज़्यादा होती तो ये तो इनकरेक्ट हो गए नेक्स्ट स्कल ए हैज मोर ब्रेन कैपेसिटी देन स्कल बी ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि स्कल ए जो है वो तो किसका है ये एप का है और ये ह्यूमन है ये ह्यूमन स्कल, स्कल है ये एप का स्कल है तो एप के स्कल के अंदर जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो कम थी लगभग इनमें 400 500 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी थी इनकी जबकि ह्यूमन की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो तेरह सौ चौदह सी सी क्रेनियल कैपेसिटी थी तो ये भी इनकरेक्ट हो गया स्कल ए हैज़ मोर ब्रेन कैपेसिटी मोर ब्रेन कैपेसिटी जो है वो ए की नहीं होती बी की होती है तो क्लियर तो ये भी इनकरेक्ट हो गया स्कल ए इज ऑफ ए ह्यूमन एंड स्कल बी इज ऑफ एन एप तो ये भी इनकरेक्ट हो गया ए एप है बी ह्यूमन है स्कल ए इज ऑफ एन एप एंड स्कल बी इज ऑफ ह्यूमन ये इसका करेक्ट हो गया तो फोर्थ जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर यहां तक क्या हो जाएगा आंसर आंसर इसका इसका फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्लियर अब इसके बाद आप देखें नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग नेचुरल सिलेक्शन ब्रांचिंग डिसेंट यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गेन्स इन अबो हाउ मैनी रिलेटेड विद डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इनमें से कितने जो है वो डार्विनियन थ्योरी से जैव विकास के डार्विनियन थ्योरी से रिलेट है तो नेचुरल सिलेक्शन इससे रिलेट है और ब्रांचिंग डिसेंट इससे रिलेट है यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गे इससे रिलेटेड नहीं है ये किससे रिलेटेड है ये लेमार्क थ्योरी से रिलेट है तो ये इनके अंदर जो है वो क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए दो ही इससे रिलेट है आंसर आ जाएगा थर्ड क्लियर इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर

वो है पॉइंट थ्री क्लियर तो ये पॉइंट सेवन और पॉइंट थ्री आ रही है अब इनके अंदर जो है वो आपको क्या लेनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एन एम एन का मतलब ये तो किसको शो कर रही है पी स्क्वायर एम की एल एल की जो फ्रीक्वेंसी है वो पी स्क्वायर को शो कर रही है या क्यू को शो कर रही है अब आपने को क्या लेनी है एम एन ब्लड ग्रुप के लिए जो है वो क्या लोगे टू पी क्यू एम एन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो क्या होता है PQ होता है यानी ये की वैल्यू तो निकालने के लिए क्या आना चाहिए टू पी क्यू तो टू पी क्यू का मतलब टू इंटू पॉइंट सेवन इंट पॉइंट थ्री क्या आना चाहिए पॉइंट फोर टू और पॉइंट टू फोर टू का मतलब क्या जाएगी 42 परसेंट जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा क्लियर इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है 150 फिफ्टी द फॉलोइंग इलेस्ट्रेशन एग्जिबिट्स ये इलेस्ट्रेशन या ये जो डायग्राम है वो किसको शो कर रहा है ये जो है वो किसको शो करेगा होमोलोगस या एनोलोगस ऑर्गन्स ये होमोलोगस ऑर्गन्स को शो करता है क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं ये तो क्या है थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड ये क्या है टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबीटा थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबीटा ये दोनों ही ओरिजिन में जो है वो कैसे होंगे ओरिजिन सेम होती है इनकी एक्सियल बड से जो है वो अराइज हो रहे हैं और फंक्शन डिफरेंट है ओरिजिन सेम है फंक्शन डिफरेंट है तो ओरिजिन सेम और फंक्शन डिफरेंट है ओरिजिन दोनों की से हो रही है लेकिन फंक्शन दोनों डिफरेंट डिफरेंट कर रहे हैं इसलिए किस टाइप के ऑर्गेन्स है ये ये होमोलोगस ऑर्गेन्स होंगे क्या आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर ओके okay? समझ में आ गया ओके okay, बाय